ये मैंने गाजियाबाद से रेस्क्यू करी थी आज से 2 साल पहले। इससे क्या हुआ है इसका? भाई जब तक इसके मालिक ने इससे मतलब बोझा ढोया काम करा, जब तक इसके मालिक ने इसको अपने पास रखा, उसके बाद इसका पैर टूट गया था तो उसके मालिक ने इसे रोड पे ऐसे छोड़ दिया था मरने के लिए। लेकिन अब ये आप देख सकते हो उसका पैर भी ठीक है। ध्यान से सुन लो, इससे पूरी जिंदगी काम निकाला, जिस दिन इसकी टांग टूटी उस दिन इसके मालिक ने इसको छोड़ दिया। एक बात में भूला है, पूरी जिंदगी तू अपने बच्चों की सेवा करेगा, जिस दिन तेरी टांग टूटेगी तू बिस्तर पर लेटेगा ना उस दिन तेरे बच्चे तो ये रोड पर छोड़ देंगे। इनकी हाय लगती है ऐसा करने पर। तुम ये भूल जाते हो इसी दुनिया में दुनिया गोल है, ये घूम के तुम्हारे पास ही आना है। काम निकाल के छोड़ दिया उसने, पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करी है, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसकी सेवा तुम करो। तुम अपने बच्चों की सेवा पूरी जिंदगी करोगे और तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ देंगे जैसे तुमने इसे छोड़ा है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी जिंदगी इन जानवरों को बर्बाद क्यों कर रहे हो? जबकि भाई इन्होंने किसी को आबाद करा है, उन्होंने इसे छोड़ दिया, तो तुम इनके सगे क्यों बन रहे हो? तुम भी छोड़ो इन्हें। भाई जो एक प्रेम होता है ना, प्रेम अच्छा जानवरों से ज्यादा है मेरा। गलत हुआ है इन सबके साथ में, सबके साथ ही गलत। वो जानवर आए हुए यहाँ पे जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने मालिक की सेवा करी, अपने मालिक का घर चलाया, आना बंद हो गई उनकी, जरूरत खत्म हुई उस दिन मालिक उन्हें छोड़ दिया। आज लोग इनका ख्याल रख रहे हैं, इतने सारे जानवरों को रेस्क्यू करके लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वो जानवर जो किसी काम के नहीं हो, ये सारे वही जानवर है। तो भाई और अगर बाद में वो ठीक हो जाते हैं तो उनको लोग लेने भी आते हैं। आते हैं फिर हम देते नहीं है, तो देने का मतलब ही नहीं, देने का मतलब ही नहीं। ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। ये ओल्ड एज है, ओल्ड एज, हाँ बहुत ज्यादा ओल्ड एज है, किसी के घर की होगी। हाँ लेकिन इसकी ये ब्लाइंड है, पूरी तरीके से देख नहीं पाती, देख नहीं पाती। ये हमें एक डॉग को रेस्क्यू करके आ रहे थे, तभी हमें रोड पे साइड में बैठी, हाईवे पे साइड में बिल्कुल बैठी हुई मिली थी। तब हमने देखा कि अब ये बैठी कैसे, हमें लगा ये मर गई उस टाइम। लेकिन जब मैंने ऐसे पास जाके देखा, गाड़ी रुकवा के अपने एम्बुलेंस रुकवा के, तो ये जिंदा थी, लेकिन ये देख नहीं पा रही थी। मैं समझ गया था ये ब्लाइंड है, तो उस टाइम हम इसको रेस्क्यू करके ले आए थे अपने पास, और ये जब से यहीं पे है। जो ये नेक काम आप कर रहे हो और ये नेक काम ऐसे चलता रहे, इन बिचारी जो गाय जो हमारे जानवर हैं जिनको ये समझ के छोड़ दिया गया कि अभी किसी काम के नहीं है, और ये अपनी बाकी जिंदगी अच्छे से जिए। ये जानवर नहीं है, गौ माता है हमारी, जानवर नहीं है, हमारी माँ है, माता है। एक अपना कांटेक्ट नंबर और एड्रेस बता दो इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, शायद हो सकता है एक बंदा ऐसा निकल आए कि उसे थोड़ा तरस आए और वो अपने छोटे से अमाउंट से आपकी मदद कर सके, चाहे खाने से पीने से भी। एक बार अपना नंबर बता दो भाई। हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर, पहले तो आप लोकेशन जो है, हमारी लोकेशन पढ़ती है शास्त्री पार्क दिल्ली 53 नियर शाहदरा। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा जो हेल्पलाइन नंबर है जो रेस्क्यू के लिए भी चलता है, और डोनेशन नंबर भी वही है। जो आपको किसी भी एनिमल्स की मदद करनी हो या मदद चाहते हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो उसके लिए भी, 2817863 7319। ये मेरा हेल्पलाइन नंबर और डोनेशन नंबर यही है।